हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेक-जी एकेडमी। आज हम एनालॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एनालॉजी के बारे में डिस्कस किया था, उसके टाइप्स क्या हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्स के लिए कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड एनालॉजी से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है मेडिसिन। मेडिसिन का सिकनेस दे रखा है, ऐसे बुक का हम लोगों ने फाइंड करना है क्या आएगा। जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन दवाई, दवाई से सिकनेस बीमारी दूर होती है, ऐसे ही बुक से क्या होता है, इग्नोरेंस जो अज्ञानता है वो दूर होती है। बुक का क्या आ जाएगा, इग्नोरेंस आएगा। ऐसे आपको इसमें जो चार ऑप्शन दे रखी होंगी उसमें नॉलेज वर्ड होगा, टीचर होगा, स्कूल होगा, इग्नोरेंस होगा, ऐसे वर्ड दिए होंगे। तो आपने जैसे अकॉर्डिंग टू जो क्रॉस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग जैसे डबल रेशियो के पहले पैटर्न है वैसे ही बताना है बाद में क्या अप्लाई होगा। नेक्स्ट है ओसिस। ओसिस का दे रखा है सैंड, ऐसे आइलैंड, आइलैंड का आंसर जो आएगा वाटर आएगा। कैसे ओसिस क्या होता है, जैसे मारुथल में हर तरफ रेती रेत होती है, सैंड का दे ही रखा है ऑलरेडी। ओसिस मारुथल में हर तरफ रेत होती है, रेत में कुछ ऐसा छोटा सा हिस्सा जहाँ पे हरियाली हो उसे बोलते हैं ओसिस। ऐसे ही आइलैंड का वाटर दे रखा है, जैसे समंदर में हर का पानी पानी होता है, तो वहां पे जो आइलैंड है एक छोटा सा हिस्सा जहाँ जमीन होती है वो उसे आइलैंड बोला है। क्योंकि जो ओसिस है वो सैंड में होता है, ऐसे आइलैंड जो है वो वाटर में होता है। अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस आंसर बता देना है। नेक्स्ट है आर। आर का है सेकंड टर्शरी। टर्शरी का है आंसर हमारा प्राइमरी। ये कैसे आंसर देना है आपने, जैसे आर का दे रखा है सेकंड, पहले सबसे छोटा ये यूनिट होता है उटांट का, वो सेकंड होता है, फिर उसके बाद में मिनट होता है, फिर होता है आर। ऐसे ही ये दे रखा है जो हमें हमारा आंसर, पहले होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है टर्शरी। तो पहले क्या इसमें दे रखा था आर, आर का एक छोड़ के मिनट छोड़ के उन्होंने सेकंड दिया, ऐसे ही हमें टर्शरी दे रखा है तो सेकेंडरी छोड़ के प्राइमरी जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 3:27, ये आ गया नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। पहले वर्ड एनालॉजी थी, अब नंबर एनालॉजी का आ गया। 3:27 4:00 क्वेश्चन मार्क। अब देखो 3 का 27 से क्या लिंक है, 3 का जब हम क्यूब कर देते हैं तो वो 27 आ जाएगा। 3 का 9 = 27, 3 का 3 = 27 आ गया। सेम टू सेम यहाँ पे 4 लिख रखा है, जैसे 3 लिखा था वैसे 4 लिख रखा है। 4 का जो क्यूब है वो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा जो हमें आंसर दे रखा है। नेक्स्ट 49:21, 49 और 21 दोनों का आपस में क्या लिंक है, छोटा सा कनेक्शन देखो। जैसे हमें 49 देखने से पता चल रहा है कि ये 7 का स्क्वायर है, और जो 21 है ये भी 7 का मल्टीपल होता है, 7 × 3 होता है। ऐसे ही 169 भी जो है वो 13 का स्क्वायर दे रखा है, ये पहले स्क्वायर था, अब जो नंबर है उसका 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ऐसे यहाँ पे भी 13 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 39 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ गया लेटर एनालॉजी का। जो पिछले जो वीडियो है उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेटर एनालॉजी का जब क्वेश्चन आ जाए हमें पता चल जाए कि जो हमें यहाँ पे लिख के दे रखा है रेशियो के बाद में भी वही है, बट जो लेटर्स है वही आगे पीछे किए हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, इस पे पहले नंबरिंग डालनी है। जैसे इस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबरिंग लिख ली, और आर देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, ए फर्स्ट पे है, फिर उनके बाद में यू जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है, ओ थर्ड पोजीशन पे है, डी जो है सिक्स्थ पोजीशन पे है, और एन जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे है। सेम टू सेम ऐसे इसे सॉल्व कर देना है। जैसे इसमें पहले नंबरिंग डालो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही अकॉर्डिंग टू दिस वन इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले सेकंड नंबर आगे आया तो इसमें सेकंड नंबर आर है वो आ गया, फिर सेकंड पे वन है, वन आ गया जी, फिर फोर्थ है, फोर्थ पे यहाँ पे कौन सा है यू, वो लिख लिया। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट है लिया हुआ वैसे ही आप लोगों ने सेकंड पोर्शन भी सॉल्व कर लेना है। ये है कुछ क्वेश्चंस जो एनालॉजी के लिए, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC इवन IAS PCS के लिए, रेलवे के जो अभी लेटेस्ट एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए, नेहरू युवा केंद्र के जो एग्जाम है, और बहुत सारे पेपर्स हैं, बैंकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। और इस ये जो हम लोगों ने आज क्वेश्चन किए इसमें ये मिक्सअप थे, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी सारे इसमें डिस्कस किए गए थे। हम लोग जो नेक्स्ट वाली वीडियो में, अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो हम करेंगे उसमें एनालॉजी के और ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस
करेंगे और जो रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे.